नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का अपडेट ला रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के काम बहुत तेज़ी से का चल रहा है और इस समय हम राजनगर एक्सटेंशन के पास हैं और ये जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं ये राजनगर एक्सटेंशन के फ्लाईओवर के पास की बैरिकेटिंग है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजनगर एक्सटेंशन से लेकर मुरादनगर की नहर तक की ये हमारी वीडियो है, जिसमें दोनों का अपडेट इस वीडियो के अंदर आपके सामने ला रहे हैं। तो देखिए, हम टर्न हो चुके हैं और अब हम आगे की तरफ अपने सफ़र को जारी रख रहे हैं। देखिए, इस समय फ्लाईओवर सामने हैं और ये बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इस पर। पहले मैंने आपको बताया था कि इस पर लगभग 30 से 40 पिलर खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 70 से 80 पिलर अब तक इस दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के ऊपर बन चुके हैं। चलिए, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, हम राजनगर एक्सटेंशन के फ्लाईओवर से आगे आ चुके हैं और ये देखिए ड्रिल मशीन, यहाँ पर एक अपडेट है, यहाँ पर भी पिलर बाहर आ चुका है। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। जो हमारे एक महीने पहले जो वीडियो डाली थी उसमें ऐसा नहीं था, उससे बहुत ही ज़्यादा चेंज अब इस रैपिड ट्रेन के काम में हो चुका है। देखिए, इस पिलर की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए बाहर आ रहे हैं। लगातार दोस्तों, इसके काम में तेज़ी आ रही है और इसकी बैरिकेडिंग और ज़्यादा आगे तक बढ़ाई जा रही है। मुरादनगर में तो इसकी सड़क भी बनाई जा रही है, यानी सड़क चौड़ी हो चुकी है और उस पर काली सड़क भी बन रही है। तो दोस्तों, पार्ट फर्स्ट है ये और ये दुहाई तक का है और ये और दुहाई के बाद जो है वो पार्ट सेकंड चालू हो जाता है जो मेरठ तक जाता है। दोस्तों, टोटल 82 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है जो निजामुद्दीन से मेरठ तक है और ये ट्रेन दो पार्ट्स में बनाई जा रही है। पहला पार्ट निजामुद्दीन से दुहाई तक का और दूसरा दुहाई से मेरठ तक का। तो देखिए सामने दोस्तों, ये पिलर आपको दिख रहे होंगे और इस समय जो ये समय है वो सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। और ये पिलर देखिए, इस वीडियो को हमने काफ़ी बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की है और इसलिए हम सुबह के समय इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें आपको साफ पिक्चर दिखाई जा सके। क्योंकि हमने जब भी हम दिन के समय वीडियो बनाते हैं तो उसमें कैमरे के आगे सूरज की रोशनी होने के कारण ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। तो इसलिए दोस्तों, आज हम सुबह के वक्त निकले हैं और सूरज की कोई रोशनी हमारे कैमरे पर इस समय नहीं पड़ रही है और आप देखिए लगातार इसके पिलर आपको कंटिन्यू खड़े दिख रहे होंगे। इनमें अब बस कंक्रीट की फिलिंग होनी बाकी है, रेत जगह तो इसका स्लैब भी डाला जा रहा है, यानी पिलर पूरी तरह तैयार है, उसके ऊपर स्लैब भी डल रहा है जो कि हमारी पहले वीडियो में नहीं है। वो आपको
यहाँ हम जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से उस पर स्लैब डाला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पिलर में कंक्रीट भरा जा चुका है, वो जो पीछे आपने देखा। और आगे अब ये देखिए बहुत से पिलर में कंक्रीट भरा जा चुका है, और कई पिलर तो दो पिलर तो ऐसे हैं जो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। थोड़ी तस्वीर हिल रही है क्योंकि रोड पर थोड़ा सही नहीं होने से इस कारण पिक्चर थोड़ी हिल रही है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्लाईओवर का इसके ऊपर स्लैब डाला जाएगा। देखिए ये दोनों पिलर पूरी तरह बनकर तैयार है, और इसी तरीके से पिलर अब आगे तैयार किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पिलर तैयार हो रहे हैं उनके ऊपर स्लैब रखी जाएगी दोस्तों। और ये देखिए लगातार पिलर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसका काम चल रहा है। लगभग हम राजनगर एक्सटेंशन से 5-6-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। लगातार दोस्तों इस वीडियो को हम बना रहे हैं, इसमें कोई सा भी हमने कट नहीं किया है, और कोई सी भी जगह आपको नहीं छोड़कर दिखा रहे हैं। इसमें पूरी पिक्चर यानी जहाँ से हमने ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी है वहाँ से लेकर मुरादनगर की नहर तक हमने कोई भी कट नहीं लिया, और इसे कंटिन्यू इस वीडियो को रखा है जिससे आपको सही पता चल सके कि कहाँ पर काम हो रहा है और कहाँ पर अभी काम बाकी है। आप खुद ही इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इस रैपिड ट्रेन के ऊपर काम हो रहा है। तो दोस्तों सुबह का समय है, और इस समय यहाँ पर देखिए काम चालू है, और ये देखिए ड्रिल मशीन काम कर रही है, इसलिए हमने वीडियो को स्लो करके दिखाया है। देखिए ड्रिल मशीन और काम कर रही है, यानी 24 घंटे दोस्तों इस रैपिड ट्रेन के ऊपर काम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दुहाई के पास पहुंच चुके हैं, और इस रैपिड ट्रेन के फर्स्ट पार्ट का यहीं पर एंड होता है, और यहां से कुछ दूर पर पार्ट टू चालू हो जाता है, वो हम आगे इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रैपिड ट्रेन के फर्स्ट पार्ट का लास्ट
एंड है यानी आखिरी पड़ाव है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से इस फर्स्ट पार्ट में काम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक इसका इस रैपिड ट्रेन के फर्स्ट पार्ट का एंड हो जाता है और यहीं से रैपिड ट्रेन का सेकंड पार्ट चालू हो जाता है और कुछ ही दूरी पर हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का आपको वो देखिए ब्रिज दिख रहा होगा। एक वीडियो दोस्तों मैं ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी हम एक वीडियो आपको ज़रूर बनाएंगे और ये वीडियो हमारी यहाँ से और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के थर्ड फेज तक होगी जिसमें हम इस ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पूरी जानकारी देंगे और ये कितने किलोमीटर का गोल चक्कर है और किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा है वो सारी जानकारी हम आपको उस वीडियो के अंदर देंगे। तो दोस्तों जल्द ही उस वीडियो को आपके सामने लाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए हम दुहाई से आगे आ चुके हैं और करीब राजनगर एक्सटेंशन से हम 10 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर लिया है और ये देखिए दोस्तों यहीं से अब ये सेकंड पार्ट्स और यहाँ देखिए सड़क यहाँ से चौड़ी हो चुकी है दोस्तों, आपको खुद नज़र आएगा आप देखना। देखिए दोस्तों ये है, यहाँ पहले सड़क चौड़ी तो थी पर काली सड़क नहीं बनी हुई थी जो आपको अब दिख रही है। तो ये पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है और ये मुरादनगर तक सड़क चौड़ी हो चुकी है और कम से कम ये काइट तक को इधर की तरफ सड़क बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये सेकंड पार्ट्स का काम दिखा रहा हूँ इस दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के ऊपर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेस में ही काम चल रहा है, पार्ट टू में भी इसका काम उसी तरीके से चल रहा है जैसे पार्ट फर्स्ट में चल रहा है। आप देख सकते हैं इनकी टेस्टिंग हो रही है, लगातार बैरिकेडिंग इस तरह की मेरठ तक हुई पड़ी है और वहाँ इनकी टेस्टिंग चल रही है जगह जगह पर। चलिए दोस्तों देखिए लगातार इस सड़क को पूरा बना लिया गया है और आगे जहाँ भी तो दोस्तों आप देखिए किस तरीके से इस पर काम चल रहा है और लगातार काम चल रहा है और ये सड़क पूरी हो चुकी है यहाँ तक और फिर इस पर भी दिल्ली मेरठ की बैरिकेडिंग शुरू होने लगेगी आने वाले समय में। इस समय हम ITS कॉलेज यानी डेंटल कॉलेज ITS के पास पहुंच चुके हैं और ये देखिए थोड़ा सा ये फेस इसमें सड़क चौड़ी हो रही है, आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग और ये सुबह सुबह का समय है दोस्तों,
यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई है, आप देखिए, ये देखिए, ये जेसीबी मशीन अपना काम कर रही है। ये देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। और हम अब यहाँ देखिए, सड़क पूरी तरह तैयार है। ऐसा नहीं है इस तरफ की, दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह चौड़ी हो चुकी है और उन पर काली सड़क बन रही है। और ये अभी काइट हमारे राइट हैंड से गुजर गया। और यहाँ देखिए, ये सड़क चौड़ी है पर काली सड़क अभी बनी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस समय हम मुराद नगर रेलवे स्टेशन से पास आ चुके हैं। और ये सामने देखिए पुलिस चौकी और रेलवे स्टेशन का यही रास्ता है। और देखिए किस तरीके से रोड चौड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों, लगातार काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारी पिछली वीडियो में जो हमने डाली है वो सिर्फ यहीं तक रोड चौड़ी हुई थी, इससे आगे नहीं हुई थी। इस समय मुराद नगर बस अड्डे से भी आगे तक रोड चौड़ी हो चुकी है और लगातार रोड चौड़ी होने का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नहीं हुई थी तो यहाँ पर चौड़ी किया जा रहा है। और ये बैरिकेडिंग, ये पूरी तरह इसमें फीलिंग इसकी हो चुकी है खुदाई होकर, ये देखिए आप देख सकते हैं। मुराद नगर के बस अड्डे के करीब हम आ चुके हैं और ये देखिए इसका काम किस तरीके से चल रहा है। ये देखिए, ये सामने दोस्तों, ये मुराद नगर का बस अड्डा है और यहाँ भी रोड चौड़ी हो चुकी है, आप खुद ही देख सकते हैं। और ये देखिए, मुराद नगर के बस अड्डे से आगे का हम आ चुके हैं और यहाँ भी देखिए सड़क चौड़ी हो चुकी है दोस्तों। तो लगातार बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन है, इसका काम अभी फ़िलहाल मार्च 2019 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस रैपिड ट्रेन का शिलान्यास किया था और जुलाई या अगस्त में इसका काम शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं, कम से कम 6 से 7 महीने में इसके 70 से 80 पिलर खड़े हो चुके हैं और लगातार रोड सेकंड पार्ट्स में भी चोरी हो चुकी है सिर्फ 6 से 7 महीने में। तो इसके काम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका काम चल रहा है। और मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं आपको कि हमारी पिछली वीडियो में कितना काम हुआ था और इस वीडियो में कितना काम हो चुका है। और ऐसा नहीं हमने कोई भी कट रखा है इस वीडियो में,
लगातार हम राजनगर एक्सटेंशन से लेकर आपको लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि काम किस तरीके से हो रहा है। हमने कोई भी कट इस वीडियो के अंदर या कोई भी पार्ट्स नहीं छोड़ा है और पूरा वीडियो हम बना रहे हैं। चाहे वीडियो हमारी थोड़ी लंबी ही हो जाए, पर हम आपको पूरा काम इसका दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय हम मुरान नगर की नहर के पास आ चुके हैं और ये सामने देखिए मुरान नगर की नहर। तो यहाँ तक के काम हमने आपको दिखाया और लगातार हम आपको इस दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का अपडेट भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी इस पे कमेंट ज़रूर करें। और एक बात और, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो डाली जाती है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर कोई आपको कमी लगती है या कुछ भी आपको सजेस्ट करना है या कुछ भी क्वेश्चन आपको हमसे पूछना है इस दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के ऊपर, तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।